हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में सो so फ्रेंड्स एक लंबे इंतज़ार के बाद और दोस्तों बहुत ही मशक्क़त करने के बाद अभी दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रही है आरआरबी आर अलाहाबाद की तरफ से जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो आपके लिए है और ये दोस्तों आप देख सकते हैं आरआरबी आर अलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर और दोस्तों कल के डेट में यहाँ एक नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी की है ये रहा वो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूरे देश से लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे कि एन और ग्रुप डी का एग्जाम होना चाहिए साथ ही साथ मिनिस्ट्री कैटेगरी वालों के भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभी साल दो साल से ऊपर होने को चला है फॉर्म भरने के बाद और फिलहाल अभी आपका एन और आपका ग्रुप डी का स्टेटस तो आपको पता चल गया होगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट्स के अंतर्गत कोई अपडेट नहीं आई है तो लगातार ट्विटर पर ट्वीट जा रहा था और लगातार एक मुहिम की तरह से लोग जुड़ गए थे जिसके कारण सरकार प्रेशर में आई और एक डेट सरकार ने जारी की थी आप लोग को पता होगा दोस्तों रेलवे के चेयरमैन यादव जी है तो उन्होंने और साथ ही साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी नोटिस दी थी कि 15 दिसंबर के आसपास आपका सीबीटी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा लेकिन दोस्तों यहाँ जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आप तो देख रहे हो और अलाहाबाद की तरफ से आ रही है जिसमें दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा तो इस नोटिफिकेशन आपको सारा डिटेल में आपको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं डाउनलोड करके और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक को क्लिक करके तो चलिए फ्रेंड्स डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन में आप चलते हैं सो so फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रेलवे ने अपनी ऑफिशियल उफ, वेबसाइट में डाली है और दोस्तों लगभग टोटल 21 जोन है तो आरआरबी के तो सारे आरआरबी के जोन में आपको ये उपलब्ध है तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे सब पहले नंबर वन द एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ थर्टी कैटेगरी नोटिफाइड इन सी ई एन थ्री ऑब्लिक टू थाउजेंड नाइनटीन तो दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें तीस कैटेगरी में, में एग्जाम के लिए लोग फॉर्म भरे थे जो आपको नोटिफिकेशन नंबर है तीन दो हज़ार उन्नीस द स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन वॉज कम्प्लीटेड एंड एप्लीकेशन स्टेटस लिंक वॉज प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट फ्रॉम फिफ्टीन टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी एट टेन आवर टू ट्वेंटी टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री फिफ्टी नाइन आवर टू व्यू स्टेटस ऑफ देयर अप्लीकेशन सो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जैसे आपका जो स्टेटस है आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट हुआ तो उसकी जानकारी आप लोगों ने देख भी ली होगी दोस्तों ये आपका पंद्रह अक्टूबर के आसपास आप लोगों ने चेक कर लिया होगा आपको पाँच दिन का समय मिला था और उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नंबर थर्ड पॉइंट में चलते हैं तो थर्ड पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है तो वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो द सिंगल स्टेज सी बी टी एस पर डिटेल प्रोवाइडेड इन सी ई एन थ्री ऑब्लिक टू थाउजेंड नाइनटीन ड्यूली ऑब्जर्विंग कोविड नाइन्टीन गाइडलाइन विल भी हेल्प टेंटेवली बिटवीन फिफ्टीन टवेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी सो फ्रेंड्स यहाँ पर टेंटेटिवली का इस्तेमाल किया गया यानी दोस्तों ये भी आपका कन्फर्म डेट नहीं है कि पंद्रह दिसंबर और तेईस दिसंबर को जो डेट यहाँ निर्धारित दिखाया जा रहा है तो इस डेट पे भी आपका एग्ज़ाम हो ये कंफर्म नहीं है तो दोस्तों अभी फिलहाल मान के चलिए कि इसी डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा और जैसे ही कंफर्म होगा जैसे ही आपको नोटिस आएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम सिटी देख सकते हैं

साथ ही साथ जो एस टी कैंडिडेट होते हैं जिनको ट्रैवल पास मिलता है फ्री में तो उसकी जानकारी भी आपको 10 दिन पहले दी जाएगी आप अपना ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक जनरेट कर दिया जाएगा नंबर पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स तो डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट फ्रॉम फोर डे टू डेट डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड लिंक और दोस्तों आपका जो फाइनल ई कॉल लेटर है वो आपको चार दिन पहले प्राप्त होगा ऑफिशियल वेबसाइट से और साथ ही साथ उसमें एग्जाम सिटी वगैरह सारा कुछ मेंशन रहेगा और उसके बाद नंबर सिक्स पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ओनलीफिब बार भी तो दोस्तों आपको सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्राप्त करनी है किसी दूसरे सोर्स या किसी दूसरे वीडियो से आप ना तो इसलिए दोस्तों यहाँ रेलवे ने लिख दिया क्लियरली कि सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता करनी होगी ठीक है और नंबर सेवन पॉइंट में आते हैं दोस्तों तो बी वेयर ऑफ टॉट ट्राई तो टू द कैंडिडेट विद फेक ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब ऑन इलीगलेशन आर आरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन सी बी टी एंड रिक्रूटमेंट बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपको हर चरण से सतर्क रहना है कोई भी आपको बोलता है कि पैसे की बदौलत तो आपको रेलवे में नौकरी दिला देगा तो आप उसको भरोसा मत कीजिए क्योंकि दोस्तों रेलवे की नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपको मेरिट के आधार पर आपको नौकरी दी जाती है तो दोस्तों आप लोगों को सतर्क भी रहना है और अच्छे से तैयारी भी करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए और दोस्तों ये तो फिलहाल आपका मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी के, के अंतर्गत थी और दोस्तों इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको एन और ग्रुप डी के एग्जाम के डेट भी मैं प्रोवाइड करा दू जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथ ही साथ चलते चलते दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए जहां पर अभी 1500 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं ताकि आपको स्टडी मटेरियल और साथ साथ चैट करने की सुविधा मिल जाए जहाँ पर आप हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत